माई, मैं भी कितना भाग्यवान हूं जो ऐसे देश में जन्म मिला। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या, सारी दुनिया से कहती है हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कोई न मिले तो अकेले में गाना, कोई
ताज रहे ना ये राज रहे ना ये राज घराना, प्रीत और प्रीत का गीत रहे कभी लूट सका ना कोई ये खजाना। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू निकला हूँ अपने सफर में अकेला, चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला, चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला। काहे मान करे अभिमान करे मेहमान तुझे, एक दिन तो है जाना। ढपली उठा आवाज मिला, गा मिल के मेरे संग प्रेम तराना। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम पास कोई हथियार हो तो निकालो। जी। 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 ये हथियार है जी। थैले में कोई कपड़ा है? तंबूक। यहां कस के बांध दो। एक बात पूछूं जी,
आपने खुद ही अपनी टांग में गोली मार ली है क्या? कौन हो तुम? राजू। राजू कौन? राजू मैं, और कौन? धंधा क्या है? भाट हूं जी, बुंदेलखंड के हर बोले तो आपने सुने ही होंगे, बस मेरे को भी वैसा ही समझिए जी। मुझे उठाओ, उस खंडर तक ले चलो। ये पानी पीजिएगा, गले की सारी खुश्की दूर हो जाएगी और वो ठंड पहुंचेगी आत्मा के भीतर कि ये सारा दुख दर्द भूल जाइएगा। लीजिए, पीजिए, पीजिए, पीजिए। ये कोई मामूली पानी नहीं है, गंगा जी का जल है जी। ये खाइए, खाइए, ये छलजम मुसल्लम है, खून पैदा करता है, मैं बहुत खाता हूं जी। खाइए, ये सब मैंने अपने हाथ से पकाया है जी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दुनिया में मेरा कोई नहीं ना, मैं अनाथ हूँ जी, अनाथ। बिना फीस की पाठशाला में 5 चौपड़ी तलक विद्या पढ़ी है मैंने, और वो कुंभ के मेले में जो सेवा दल होता है ना, उसमें बलम टीर भी रह चुका हूँ। अब देश देश घूमता हूँ, ये ढप बजा कर पब्लिक को खुश करता हूँ। आपका पीछा कर रहे हैं। घबराइए नहीं दोस्त जी, घबराइए नहीं। Thank you.
ये लो आ मेरी बच्ची माँ बेटा मेरा अभी क्या देख देख भी क्या चलिए क्या लाया बेटा हमारे लिए कुछ भी नहीं अरे हम जो आ गए पुलिस की गोलियों से बचकर मेरी लाडो ये देखा बेटा ये देख कैसे नाचा ये देख देखती क्या है जग्गू की माँ नौलखे से कम नहीं दो गले काटे तेरे गले के लिए गले काटने के बाद तुम हंसी खेल में करते ऐसा भी क्या लोहा समा गया है तुम्हारे खून में आज से नहीं मेरा भाई ये लोहा तो उस दिन हमारे खून में समा गया था जब एक ठाकुर जमींदार ने किसी किसान का हल छीन कर ये थमा दी थी उसके हाथ में एक बात बताओ ताऊ बोल अंग्रेज क्रिस्तान का राज हुआ ब्राह्मणों का राज हुआ क्षत्रियों का राज हुआ बनिए और डोम का राज हुआ मगर हम डाकुओं का राज कब होगा अरे पगले हम डाकुओं का राज कब नहीं था जवाब नहीं क्यों रे बुड्ढे किसका जवाब नहीं उस सुनार के बच्चे का जिसने ये झांझरे बनाई ताऊ जी झांझरे हम लाए शहर से और सुख तुम ले रहे हो अरे सुख नहीं ले तो क्या करें तुम जवान लोग जाते हो डकैती पर और लाते हो लुगाइयों के लिए झांझरे और वो जो पुलिस वाला लाए हैं देखा है कभी तुम्हारे पुरखों ने पुलिस वाला वो भी मरा हुआ नहीं जिंदा जिंदा पुलिस वाला पुलिस का आदमी यहाँ आकर सभी मुकर जाते बोल मैं गंगा जी की कसम खाता हूं दरिया तो चौकस याद आया है लेकिन तेरी हड्डियां वहां तक नहीं पहुंचे बोल पुलिस को हमारे बारे में क्या मालूम कुछ भी नहीं मालूम जी मुझे कैसे पता कि पुलिस को आपके बारे में कुछ मालूम है कि नहीं मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं जी तो फिर फौज का आदमी है जी जी नहीं तो फिर किसका आदमी है मैं भगवान का आदमी भगवान का आदमी इराका सरदार से पूछे बगैर ही मार डालेगा रे तेरा कुछ लगता है क्या किन्ने कहा लगता है मुझसे बात क्या करता है पक्षियां चलाता है चाचा मेरी जगह कम्मू होती तो कहता आ आ कमीना कहीं को शक्ति करे तेरे कम्मू के चेचक निकले चौकता तो बुरा नहीं मैं भगवान का आदमी हूं जी चूरे जमोरे आंखें हैं या कांच की गोलियां शक्ति माँ के फूल गिरा दिए मेरा नाम जमूरा नहीं है जी राजू है ओए होए होए ये जानवर कहां से पकड़ लाए हो हुक्म करो तो पिंजरे में बंद करके भेज दूं शर्त इतनी है कि इसे दाना पानी डालने हम ही आया करेंगे दोनों बकर ओए होए होए ये कैसी बस्ती है जी यहां बात पीछे करते थप्पड़ पहले मारते ओए होए होए अब भी मुझे कबूल ले रखा ये तो हर सवेरे नाश्ते के बाद झापड़ दिया करेगी और नाश्ते से पहले मैं बताऊं जी सवेरे की बात है तो नाश्ते से पहले दातून करना चाहिए जी क्या ओए होए होए Thank you.
आई बापू। क्या है बापू? ये तो उसका है बेटी जिसने मेरी जान बचाई थी, खुद भूखा रहकर मुझे अपना खाना खिलाया था। एक दफा बोल दिया ना कि मैं कक्के के बिना भी चल सकता हूँ, चलना। क्यों रे, तू गिरे बिना चलता नहीं क्या? जब से इस बस्ती में आया हूँ न गिरे बिना चलता हूँ न थप्पड़ खाए बिना बोलता हूँ। ये सब मेरा है जी। हा? यही है मेरी जान बचाने वाला। ये जान लेने वाला है सरदार, पूछिए खुद ही बोला था कि नहीं मैं पुलिस का आदमी हूँ। और वो जो अभी उधर बोला था मैं भगवान का आदमी हूँ, वो झूठ था। झूठ? आप ही इंसाफ कीजिए, गंगा जी की कसम खाने के बाद कोई झूठ बोल सकता है? बोलिए बोलिए। हाँ देखा, गंगा जी कोई मामूली नदी नहीं है, शिव जी की जटा से निकलती है यूं। मैं फिर कहता हूँ सरदार, ये पुलिस का आदमी। फिर उड़ा का, अगर ये पुलिस का आदमी है तो इसके पास कोई ना कोई हथियार होना चाहिए ना। जी, तो ये हथियार निकला था इसके झोले से। ये? इस हथियार से तो तुम आते वाते मारते होगे? जी नहीं, इस हथियार से अंग्रेज लोग खाना खाते हैं जी। मगर सरदार ये पुलिस का मगज मत चाटो राका, मैंने इसका नमक खाया है। जाओ जाओ, आज से तुम हमारे मेहमान हो। आप लोगों की बस्ती में मेहमान भी आते हैं? क्यों जी, हम लोग इंसान नहीं है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था जी कि मेहमान लोग आकर वापस भी जाते हैं। बेफिक्र रहो दोस्त, जब हमारे रूखे सूखे से तुम्हारा जी भर जाएगा तो मैं खुद तुम्हें खतरे की हदों से पार कराऊंगा। एक बात और पूछूं सरदार जी? जरूर। हम लोग ये नाश्ता कब खाएंगे? फैसला किया रे? फैसला किस बात का? अरे बात तो एक ही है सारी दुनिया के सामने, प्यार करेगा या फांसी पे चढ़ेगा। बेसब्र क्यों होते हो ताऊ, सब के सब फांसी चढ़ेंगे। क्या मतलब? सरदार ने उस पुलिस वाले को मेहमान जो बना लिया है। पुलिस वाला मेहमान? तो फिर कोतवाली ससुराल और फांसी देने वाले हमारे समधी। आओ लाला जी, गले मिलो और डाल दो फंदे। वाह 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 वाह, डाकुओं के घर में पुलिस वाला मेहमान। तुम्हें यहाँ ठहर जाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं उस कोने में। अच्छा ए, फेरो। लो, तुम मेरे मुंह पर चाटा मार लो। क्यों जी? जो तुम्हें मारे तुम उससे मारो, एक कायदा है दुनिया का। आपकी दुनिया का होगा, मेरी दुनिया का बिल्कुल नहीं है जी। ओए होए होए, तुम्हारी मर्जी। फिर मत कहना कि मैंने हिसाब बराबर करने का मौका नहीं दिया। हाँ। नहीं कहूंगा जी। तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि एक लड़की से लिपट जाना बुरी बात है? जी,
ये जो मैं उधर दरवाजे में आपके साथ लिपट गया था वो बुरी बात थी? बहुत बुरी बात थी। मैं भी बहुत बुरा आदमी हूँ जी। आप लोगों ने मेरे को इतना अच्छा खाना खिलाया, मेरी इज्जत की, और मैंने आपके साथ ये बुराई कर दी। जी जी जी, चलिए इधर आइए। वो जो कायदा है ना आपका, तुमको जो मारे तुम उसको मारो, उसी के हिसाब से आप बेशक लिपट जाइए मेरे साथ। चलिए चलिए, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए जी। कैसे आदमी हो जी, इन बातों में वो कायदा नहीं चलता। कैसा कायदा है जी, कुछ बातों में चलता और कुछ बातों में नहीं चलता। जाओ जाओ, आराम करो। बुराई करने के बाद आराम, ये मैं नहीं कर सकता। या तो आप मुझे सजा दीजिए, या चलिए सरदार के पास, वही इंसाफ करेंगे। चलिए चलिए आइए, वो बहुत अच्छी आदमी है जी। ए कमो जी, माफ करना, आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि इंसाफ क्या होता है। क्या हुआ, क्या पता, जाने क्यों मचल रहा है।
ए, ये कबूतर मैंने मारा है, इधर लाओ। जी, पहले मेरी बात का जवाब दो, अगर कोई ऐसा कबूतर मर जाए तो तुम उसको जान दे सकते हो? बड़ा पगला है तू, जो मर गया उसको जान कौन दे सकता है? जो चीज तुम दे नहीं सकते उसे लेते किस मुंह से हो जी? जिस मुंह से मैं खाता हूँ, ये खाने की चीज है इसलिए मारता हूँ। माफ करना, ये जवाब नहीं है मेरी बात का। अच्छा, जरा लाना तो दोनाली, डबल जवाब देता हूँ। बचाओ, 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 ये क्या बदतमीजी है? ये मेरा कबूतर नहीं देता। नहीं दूंगा, देखो तो, ये कहता है मैं खाऊंगा इसको, देखो तो। जाओ तुम लोग, जाते हो कि नहीं? जाओ। क्यों रे, ये मेरा कबूतर है, कबूतर के लगते अब भी बताती हूँ। एक अम्मा, देखती नहीं? गरम तो ऐसे हो रहा है जैसे गोली मार दी। जरा ले जा, हल्दी जला के इसके जख्म पर लगा दे, चंगा हो जाए तो मेरे पास ले आना। हाँ, कमोजी, कमोजी आप बहुत अच्छी। और राजू जी, आप एक नंबर की बदमाश है। अभी जो वहां समझा था कि किसी लड़की से लिपटना। हे भगवान जी, मैं तो मर ही जाऊं। भगवान तो बाद में मारेगा बांके लाल, पहले मैं ही गोली दाग दूंगी और फिर कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। ओए, ओए, ओए। दुनिया में और किसी को डर नहीं लगता जब तुम्हारी तरह उत्सके बन जाते हैं। खबरदार जो फिर हिम्मत की तुमने। घाघरा चोली मंगवा दो लाजवंती के लिए। ए, ये क्या राजू? तंबूरा। मैंने कहा छजा दीजिए, आप वो नहीं मानी, कहा सरदार जी के पास चलिए तो मुझे धक्के दे दिए। तंग आकर मैंने अपने भगवान जी से मृत्यु मांगी तो बोलने लगे मैं ही गोली मार दूंगी। तुम उचक्के हो, खबरदार जो हिम्मत की। मेरा दोष इतना ही ना, मैंने आपके पिताजी को खाना खिलाया था, माफ कीजिए छलजम मुछलम भी खिलाया था, और आप लोग हैं जो कि मेरे जान पे तुले हुए हैं। अच्छा लो, माफी मांगते अब हंस दो, हंस दो ना। अरे हंसना, बिल्कुल बच्चे हो। कम्मू, सरदार बुलाते हैं। आती हूँ। मैं समझ गया जी, मेरा नाम राजू है। नमस्ते। माफ कीजिए, नमस्ते का जवाब इस तरह नहीं, इस तरह देते हैं जी। पुलिस वाले की नमस्ते का भी कमाल है। इस बात का तो फैसला हो चुका है जी, सरदार जी ने और उनकी बेटी ने मेरी गंगा जी की कसम का विश्वास भी कर लिया है जी। भीमू, ओ भीमू, सुना? हाँ भैया, पांडे आए पांडे गंगा घाट से। अच्छा, तब तो ये स्नान किए बिना भोजन नहीं करेंगे। ये लीजिए महाराज। तो पांडे महाराज ये लीजिए।
भोजन भी लीजिए। ठीक है ठीक है, अभी बताता हूं मैं कौन हूं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। चलो तब बजाओ और तुम लोग अपनी जोरुओं से कहो कि वो नाचे, ये ताली पर ताली, आज से ये पुलिस वाला ताल बांधेगा और मौत से मस्करी करने वाले डाकू का ठग नाचे। देख राका, अगर तूने दोबारा इसको पुलिस वाला कहा तो मुझके कसवा दूंगी बापू से। इसके झांसे में आकर फांसी लगने से तो अच्छा है कि सरदार ही हम सबकी जान ले ले। ओए होए होए, खबरदार किसी ने इसको पुलिस वाला कहा तो। चलो जी, क्यों राका? देखा कैसे खिसक गया। भीतर की बात सकती जाने, लेकिन लगता पुलिस वाला ही है। पुलिस भी हमें पकड़ने के लिए नए नए रास्ते निकालती है। गए साले कोड़ी भेजा था और अब एक बहरूपिया आया है। बाप ने पुलिस वाले का नमक खाया है, बेटी हक अदा कर रही है। फोटो पे सच्चाई रहती जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बसी है। हम घुंघरू साठ सोरे रोज सुना हो गया हम नमस्ते बस में बस 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 हम नमस्ते बस में बस यदा ही न कर्म चले सर्वतारी ताऊ, वो पुलिस वाला तो सो गया। सो गया बेटा चरणदास। अरे ये अंधेर तो मैंने पहली बार देखा, डाकू पहरा देवे और पुलिस वाला आराम पर मारे। वाह वाह वाह। मेरा नाम जमुना नहीं है जी, राजू है। राजू
अपनी इंसाफ कीजिए, गंगा जी की कसम खाने के बाद कोई झूठ बोल सकता है? बोलिए बोलिए। देखा, गंगा जी कोई मामूली नदी नहीं है, शिव जी की जटा से निकलती है। यूं जब से इस बस्ती में आया हूं जी, न गिरे बिना चलता हूं, न थप्पड़ खाए बिना बोलता हूं। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूं? कुछ खो गया है, ढूंढने आई। क्या हुआ जी? क्या ढूंढने आई थी, भूल गई। जब मन भटकता है आदमी सब कुछ भूल जाता है जी। हाँ। ऐसी अवस्था बहुत खराब होती है कम्मो जी, आप फौरन इसका इलाज कराइए। इसका इलाज है? चौकस है जी, मेरे को सब खबर है। आइए आप इधर बैठिए, बैठिए बैठिए, और आंखें बंद कर लीजिए। जी हाँ, शास्त्रों में लिखा है जब मन भटकने लगे तो आंखें बंद करो और डूब जाओ अपनी आत्मा के भीतर। लो, डूब गई। अब चारों तरफ से अपने ध्यान को समेटिए और ले आइए किसी भी एक चीज पर। ले आई। अब बताइए वो चीज कैसी है? कैसी का मतलब? पानी की चीज है या खुशकी की? खुशकी की। देखने में मोटी है? पतली है? लंबी है? चौड़ी है? किस मौसम में काम आती है? हर मौसम में। खाने की चीज है या पीने की? न खाने की न पीने की। मिट्टी की चीज है कम्मो जी? मिट्टी की नहीं, लेकिन मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में जाएगी। मैं समझ गया जी, अब बोलिए नर है या मादा? औरत जात है मर्द जात? तुम कौन हो जी? अभी तक तो मर्द जात हो, आगे की शिवजी मालिक हैं जी। मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूं और आपने बीच में हंसना शुरू कर दिया। आप कैसी लड़की हैं कम्मो जी? तुम्हें कैसे लगती जी? हाँ, मेरे को तो कोई भी बुरा और पराया नहीं लगता कम्मो जी, सारा संसार अपना ही लगता है। जो बड़े हैं मेरे से वो माता पिता और छोटे बहनों भाइयों सरीके लगते हैं जी। और जो तुम्हारे बराबर की हो वो? कम्मो जी,
ये जो आपके और मेरे बीच बातें हो रही हैं, ये कहीं इसक प्यार की बातें तो नहीं? अगर हो तो राम नाम सत्य ही समझी। ये जो अपने देश की पब्लिक है ना कम्मो जी, सब कुछ बर्दाश्त करती है, इसक प्यार की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मेरी मानी तो इस झमेले में बिल्कुल मत पड़िएगा कम्मो जी। क्या है खत्म?
होए, मैं कहती थी ना इस पोशाक में तुम बिल्कुल हम में से एक दिखते हो। डाकू जी? हाँ डाकू। तब तो मैं यही पहनूंगा। अरे बड़े बेशर्म हो, देखते नहीं मैं सामने खड़ी हूँ। आप सामने खड़े तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं ये पोशाक पहने रहूं जिसमें मैं डाकू बदमाश दिखता हूँ। हाँ जी हाँ। फिर बदमाश कहो तो? सिर्फ जान का जोखिम हो तो मैं दम्बूक से जरूर डर जाता हूँ, लेकिन जब धर्म कर्म की बात निकल आती है तो माफ करना जी, मैं यूं छाती निकाल देता हूँ। जी हाँ डाकू पक्के बदमाश होते हैं। आप मेरे कपड़े निकालिए, मैं सरदार जी को राम राम बोलकर अभी जाता हूँ इधर से जी। ए, गोली दाग दूंगी। ठीक है जी, डाकू बदमाश और करते ही क्या है, बात बात पे तंबूक तपंचे चलाते हैं। ओए, ओए, ओए। बंदूक तपंचे हम दुनिया के भले के लिए चलाते हैं। दुनिया के भले के लिए? हाँ, अमीर गरीब को बराबर करने के लिए। अमीर गरीब बराबर, ये बात जरा खोल के समझा सकती हो? हाँ, इस दुनिया में गरीब का जीना मुश्किल है कि नहीं? गरीब बेचारे की तो मिट्टी ही खराब है जी। और उसी गरीब को लूट लूट कर अमीर अपनी तिजोरियां भरते हैं कि नहीं? चौकस भरते हैं। तो फिर गुरुजी हमें पहचानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आपको? हम वो हैं जो अमीर को थोड़ा सा गरीब और गरीब को थोड़ा सा अमीर करते हैं। हम दुनिया बराबर करते हैं, समझे? कमो जी तुम लोग चोचलिस्ट हो क्या? चोचलिस्ट वो लोग भी भोर से लेकर संजय तक बस एक ही वचन बोलते हैं कि दुनिया बराबर होनी चाहिए, दुनिया बराबर होनी चाहिए। हाँ, अब तुम ऐसे पापी हो कि दुनिया बराबर करने वाला को बदमाश कहते। ओए ओए ओए, जाओ जाओ, राम राम। कमो जी आप मेरे को माफी दे दो, मैं पापी आदमी नहीं हूँ, बड़ा मूर्ख हूँ जी। अंदर की बात में समझा ही नहीं था, इतना बड़ा काम करते हैं आप लोग तो मुनि महात्मा है। तो खाओ कसम फिर कभी यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगे। मैं गंगा जी की कसम खाता हूँ अब तो यहीं रहूंगा और तुम लोगों के साथ मिलकर दुनिया बराबर करूंगा। अब फौरन माफी दे दो जी। हाँ हाँ दे दी माफी। मैं भी कितना भागवान हूँ कि ऐसे धर्म कर्म वाले जत्थे में भर्ती हो गया हूँ। भागवान तो उस दिन हो गए जब राजगढ़ के हमले पर जाओगे। राजगढ़? एकम सरदार की पट्टी का वक्त हो गया है, अभी जाती हूँ। अंदर की बात है, आज से 11वें दिन राजगढ़ पर बहुत बड़ा हमला होगा आधी रात को। लेकिन कम्मो 11 दिन तो बहुत होते हैं, भरोसा एक घड़ी का नहीं कब मृत्यु आ जाए। तुम ऐसा करो आसपास में कोई गरीब हो तो मुझे बताओ, फौरन उसको बराबर करता हूँ। एक गरीब ने तो कब से खड़ी है तुम्हारे सामने। मैं तुमको बराबर नहीं कर सकता कम्मो, मैं शरीफ आदमी हूँ और शरीफ आदमी औरतों पे हाथ नहीं उठाते। एक गरीबनी को अमीर तो कर सकते हो। मेरे खीसे में पौनी एक रुपया है, ये हो गया तुम्हारा। क्यों जी, सिर्फ रुपया ही मेरा हो गया? और क्या हो सकता है? रुपये वाला? कम्मो जी माफ करना, कम्मो जी अंदर की बात समझने में मेरे को जरा टाइम लगता है। ओए होए होए। Thank you.
आना
पुरानी ले लिया दिल मेरा आज की रंग भरी शाम ने हम भी समझा था बेगाना लेकिन तुमको मैंने ही पहचाना तुमने मुझको समझा था बेगाना लेकिन तुमको मैंने ही पहचाना पहचाना मिल गई मंजिल राह सी खुल गई सामने हम भी जर्नेल इधर उधर क्या देखते हो बंदूक संभालो मैं निशाना रखती हूं आपके दर्शन कर रहा हूं कम्मो जी ओए होए होए पकड़ो देखा कमाल है अभी दूरबीन थी अभी दम्बूक बन गई हाँ एक गोली निकालो ये लो
और वहां निशाना बांध। जी लो ना कबीर जी, और ये फेंक दो उसे। कबीर जी क्या किसी सुंदर चीज को फेंकना नहीं चाहिए, उसे तो किसी दूसरी सुंदर चीज से मिला देना चाहिए। ऐसी बातों से तुम मुझे बर्बाद कर दोगी राजू। जी ये लो और बंदूक चलाना सीखो। जी लेकिन कम्मू जी इससे फायदा? बहादुर सिंह बंदूक नहीं चलाओगे तो दुनिया बराबर कैसे करोगे, चोचलिस कैसे बनोगे? कम्मू जी शिव जी की कृपा हो मैं तो दम्भू के बगैर ही दुनिया बरोबर करूं और दम्भू के बगैर ही चोचलिस बनूं। जी ओए होए होए, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। होए 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 होए, ऊंचे बोल तो ऐसे बोलती है जैसे देश दिसाबर की खबरें पहले आपके पास पहुंचती है पीछे जाती है नखलऊ की तरफ। कम्मू जी दम्भूक से आदमी मरते हैं और जब सारे आदमी ही स्वर्गवासी हो गए तो फिर बरोबर कौन होगा और चोचलिस कौन बनेगा? सचमुच अंदर की बात समझने में तुम्हें टाइम लगता है। अरे गोसाई जी इसी बंदूक के डर से तो पापी और लालची लोग धर्म कर्म करते हैं, समझे? जी तंबूक से धर्म कर्म भी हो सकता है, ये ज्ञान तो मेरे को इधर आकर ही मिला है कम्मू जी। हाँ तो फिर देखते क्यों, आओ इधर आओ और बंदूक चलाना सीखो। ठीक है, एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु नानक जी कहे दोनों ज्ञानी, आप कहती तो मैं ये विद्या भी सीख लेता हूँ। अच्छा अच्छा पहले बंदूक उठाओ और यहाँ रखो। जी देखो ना, अरे इसका क्या मतलब? आपने जिधर इशारा किया दम्भूक मैंने उधर ही धर दी। अरे ओ लहरी लुटर ने, इधर नहीं यहाँ अपने कंधे पर रखो। ये तो उल्टा हो जाएगा कम्मू जी। इसका क्या मतलब? कमाल है कम्मू जी, विद्या आप सिखा रही है और मतलब मुझसे पूछती है। मैं बताती हूँ, सीधे खड़े रहो टन के, बंदूक उठाओ अपने कंधे पे रखो, यूं नहीं यूं। कम्मू जी उधर देखो सामने, ये हाथ इधर, अरे नीचे नहीं ऊपर, ऊपर नहीं सामने, देखा वो निशाना रखा है, आंख बंद करके इधर से देखो। आंखें बंद हो जाएंगी तो दिखेगा क्या कम्मू जी? दोनों नहीं एक आंख। कौन सी? बाएं। बाएं। देखो निशाना दिखता है। जिधर देखता हूं मेरे को तो फूल ही फूल दिखते हैं। कम्मू जी आप बोलती हैं दम्भूक चलाओ और मैं सोचता हूं इन फूलों की एक सुंदर सी बेनी बनाऊं और आपके जूड़े में लगा दूं। ओए होए मेरे छैल भवर, निशाना देखो और दबा दो खोड़ा। तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो। क्या देख रहे हो? ऐसे घूरते क्यों हो जी? मेरे मन में एक बात आई है। क्या? शिवजी की कृपा हुई तो एक दिन फूल सरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कम्मू जी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। तो कम्मू जी आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। आप एक ही लल्ले की बात सुनकर फिक्र में मत पड़िए कम्मू जी, अगर शिवजी ने चाहा तो यह लल्लों की लाइन लग जाएगी। जी
छटपटाए हुए दिखाई देते हो राका, क्या बात है? वो जिस ब्राह्मण का आपने नमक खाया है, वो हम सब की क्रियाकर्म कराकर ही जाएगा या पहले? तुम वहमी हो गए हो राका। एक भोला भाला सा छोकरा चम्मच को हथियार समझता है और तुम होके उसी से डर रहे हो। लो दम लगाओ। आज से तीसरे दिन हम जिसकी शादी पर जा रहे हैं। तो उसकी बात करो ना। करता हूं सरदार। साहूकार अपनी अकलौती बेटी को मंगलसूत्र तो पहनाएगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ लाख एक रुपए का चढ़ा उहार भी दे रहा है। खबर पक्की है? राका खबर लाता है तो पक्की ही होती है सरदार। वो हार ले आए तो 20,000 का हिस्सा दूंगा। मेरे कम्मू के गले में खूब सजेगा, दुल्हन से लगेगी। हार के साथ साथ मंगलसूत्र भी है सरदार, वो भी ले आऊं? मंगलसूत्र? समझ गया, ले आना। ना राजू ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अंदर की बात समझने में तुम्हें टाइम लगता है, दूसरे आप देखते हो ना, मुझसे बिगड़ जाते हो। कभी सोचा है कि लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि अब ये डाकू की छोकरी उस बामन के छोरे को खत्म करके ही छोड़े। ओए होए होए, अरे लाल पीली क्यों हो रही है? ये जो मुसीबत हम सब पे आई हुई है ना, जवानी कम्मो जवानी, ऐसे में हम तुम और सोचती ही क्या है? ये ही ना, कौन होगा, कब होगा, कैसा होगा, कब हाथ पीले होंगे और डोली में बैठ के ससुराल जाएंगे, और फिर क्या होगा फिर? ये बताएगी मैं ना? बहना ना, तू ही बोल। हरे दैया तू बोल, तू कौन से गूंगी हो गई? बताना क्या होता है, तू क्यों नहीं बोलती, बताना। मैं बताऊं जी? हाँ, हाँ, हाँ। मेरे को सब खबर है शादी के बाद क्या होता है। तुम्हें सब खबर है जी? अच्छा, मैं तो समझी थी तुम बड़े भोले हो। माफ कीजिएगा, शादी ब्याह के मामले में मैं बिल्कुल भोला नहीं हूं जी, एक एक बात की पक्की खबर है मेरे को। अच्छा तो बताओ क्या होता है। दुल्हन जब ससुराल पहुंचती है वो ढोल ताशे बजते हैं जी, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। पर शिव जी आपका भला करे कम्मो जी, मांस की धुली हुई दाल की कचौरियां, लूची पूरी, हलवा, बेसन की बूंदी और ढेर सारी जबेलियां मिलती हैं खाने को। एक धर्म कर्म की बात बोलूं कम्मो जी, आप भी फौरन शादी कर लीजिए। किससे? कर लूंगी शादी किसी हट्टे कट्टे मुस्टंडे के साथ। जी जी, तथास्तु कम्मो जी। वारे पोंगा पंडित, मैंने शादी कर ली तो तुम क्या करोगे? फिर मेरे लिए रह ही क्या जाएगा करने को? उधर आपका कन्यादान होगा, इधर मैं ढप बजा बजा कर नाचूंगा गाऊंगा खुशियां मनाऊंगा। मेरी शादी में? अरे दूर।
मुश्किल है समझाना, है ना? शादी में अपना दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, है ना? अपना बेगाना कौन, जाना अनजाना कौन, अपने दिल से पूछो दिल का पहचाना कौन, पल में लुट जाता है यूं ही बह जाता है, शादी किसी की हो अपना दिल गाता है, अपना दिल गाता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। ये बात मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। तुम लोग कल एक ताके पर जा रहे हो, उसमें ये भोला भाला छोकरा राजू क्या करेगा? ढोल डफली बजा के ऐसा समा बांध देगा सरदार, जो लोगों को हम पर शुबा ही नहीं होगा। और फिर हम बड़े आराम से बारात में शामिल होकर साहूकार के घर पहुंच जाएंगे। ये तो समझ गया, लेकिन वहां पहुंचकर राजू क्या करेगा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपका भोला भाला मेहमान शादी की धूमधाम में खो जाएगा, और हम सब एक दुल्हन के गले से हार और मंगलसूत्र उतारने के लिए अपनी जानों से खेल जाएंगे। समझा, लेकिन याद रखना, मैंने राजू का नमक खाया है और उसकी सलामती का जिम्मेदार मैं हूं। फिक्र रहिए सरदार। Thank you.
ये भी असली घी में है जी? बिल्कुल असली घी क्या है, ले लो जी। बारे में सच्ची खबर दे रहे हो? मैं सब कुछ अपने कानों से सुनकर और अपनी आंखों से देखकर आया हूं सुपरिटेंडेंट साहब। मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, राकार उसके साथ ही जरूर राजगढ़ पहुंचेंगे। मैं आपके पांव पड़ता हूं, आप राजगढ़ वालों की रक्षा कीजिए, नहीं तो राकार उन सबको कुत्तों की मौत मारेगा सुपरिटेंडेंट साहब। मगर ये कैसे हो सर? इसकी एक एक बात सच निकली है, ठाकुर की हवेली में वाकई जबरदस्त डाका पड़ा है। तुम फौरन स्पेशल फोर्स का एक दस्ता तैयार करो, हम अभी राजगढ़ जाएंगे। यस सर। अब देखना,
राका अगर एक गोली चलाएगा तो हम हजार गोलियों से जवाब देंगे। वो एक निहत्ते शहरी पर हमला करेगा तो हम उसके सारे जत्थे को मौत के घाट उतार देंगे। ये क्या कह रहे हैं सुपरिटेंडेंट साहब? हत्या करना तो राका जैसे पापी का काम है। मैं तो रक्षा की भीख मांगने आया हूँ सुपरिटेंडेंट साहब। तुम उन्हें राजगढ़ पहुंचने दो, फिर देखना। सुपरिटेंडेंट साहब, पुलिस पहुंच गई है राघा। अगर तुम लोगों को जरा भी अपनी जान का फिक्र है तो यहीं से वापस पलट जाओ, पलट जाओ वापस। राजगढ़ में पुलिस? तुम्हें कैसे खबर हुई? खबर कैसे नहीं होगी, मैं ही तो पुलिस को लाया हूँ। ये हमें चकमा तो नहीं दे रहा? नहीं नहीं, मैं गंगा जी की कसम खाता हूँ। अच्छा, जाओ तुम आगे जाकर जांच कराओ। नहीं 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 नहीं, तुम मत जाओ, वहाँ बड़ी बड़ी गन मशीनें रैपले आ गई हैं। राका राका, इसे रोक ले, ये गरीब आदमी है, ये मारा जाएगा, ये बाल बच्चे वाला आदमी है। राका नहीं, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। मैंने बार बार आप सबको चौकन्ना कर दिया था कि ये पुलिस का आदमी है, पुलिस का। अब बोलिए, तुम्हें कुछ कहना है? बहुत कहना है जी। मैं इस डकैती पे क्यों गया था राका के साथ, पता है आपको? मैं ये समझ के गया था कि ये लोग मदद करने जाते हैं गरीबों की, लेकिन ये सब झूठ था सरदार जी। एक बेचारी की शादी हो रही थी, राका ने पहले उसके पति को गोली मार दी, फिर उस लड़की का हार उतार लिया, ऐसे खींचा, उस गरीबनी का गला यहां से यहां तक छील गया। इतने में एक छोटा सा बच्चा पता नहीं किधर से आ गया, और वो जो बैठा है ना अपने बच्चे को छाती से लगाकर, उसने दो नाली फेर करके चन्नी कर दिया बच्चे को। आप छाती पे हाथ रख के बोलिए सरदार जी, आपकी अपनी बेटी की शादी हो रही हो और कोई राका उसके पति को गोली मार दे, आप रो रो के बर्लाप करें और वो मोटा आके उसके गले का हार उतार ले, तो इसे संभालो सरदार, नहीं तो यहां भी राइफल चला देगा क्या? जिसे छाती से लगा के बैठा है उस पर गोली चला के दिखा तो। मैं कहता हूं पुलिस को खबर की कि नहीं? हाँ की, 10 दफे की। क्यों? मैं गांव वालों की इनकी गोलियों से बचाना चाहता था। फिर हमें क्यों रोक दिया आके? मैं आप लोगों को पुलिस की गोलियों से बचाना चाहता था। मैंने कहा जैसे वो लोग बाल बच्चे वाले, आपके भी तो बाल बच्चे हैं, जैसे उनको बचाना मेरा धर्म था वैसे ही आप लोगों को बचाना भी मेरा धर्म था। अरे मेरे मरद ने क्या गुनाह किया था जो तूने उसको नहीं बचाया? माताजी, मैं झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, पूछो इससे, मैंने हाथ जोड़े थे कि नहीं राका मत भेज उस गरीब को, लेकिन इस सिकंदर किसी की मानता ही नहीं। सिकंदर के बच्चे अगर हम तेरे कहने पर ही पलट आते तो सरदार हमारी मुश्किल न कसवा देते। वो तो अब भी कसवाएंगे राका, वो पूछेंगे। एक धर्म की बात बोलता हूँ सरदार जी, उस बिचारी के मर्द को आगे भेजने के बजाय ये खुद क्यों नहीं आगे गया? मैं बताऊं सरदार जी, इसको अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए दूसरों को तो ये गाजर मूली समझता है। बोल कमीने, इस दुनिया में तेरा कौन सा रोने वाला? आप ठीक कहती हैं माता जी, इसका है ही कौन, न बीवी न बच्चे, एक मैं हूं, सो मुझसे भी ये खफे ही रहता है। जो अपनी ही चमड़ी से प्यार करता है वो सरदार बनने के लायक नहीं रहता। जी हाँ, सरदार तो अब ये बनेगा पुलिस वाला, एक एक को फांसी लगवाएगा और कहेगा कि मैंने तो जून सुधारी है आपके बच्चों की, मुई गंगा की कसम खाता। खबरदार, जो मेरी गंगा जी को मुई कहा तो। सरदार जी,
राम राम। ये भाग जाएगा सरदार। मचानों पे खबर कर दो, ये भागे तो गोली मार दो। मेरा ढफ। देखो मैं दुल्हन लगती हूं ना। मेरा ढप दीजिए। बोलो लगती हूं ना दुल्हन। विधवा लगती हूं। राका को चाहिए था कम्मोजी, उस विधवा का मंगलसूत्र भी लाके तुम्हारे गले में पहना देता। राम राम। विधवा कौन? वही जिसका ये हार है। बेचारी की शादी हो रही थी और तुम्हारे इस राका ने उसके पति को गोली मार दी। अब मंगलसूत्र भी मंगवा लो उसी का। और बोलो। बोलता हूं ये जो झूठ है तुम्हारी आत्मा में, इसे भी ऐसे ही निकाल के और फेंक के दिखाओ तो। दुनिया बरोबर करते हो। राम राम। सुनो मुझे डर था कि सच्ची बात कह दी तो तुम चले जाओगे राजू। Thank you.
अपना पर माना है राजू। हमू बापू, मैंने शक्ति की सौगंध खाई, मैं इसी को पहनूंगी बापू। एक चाकू की लड़की पुलिस वाले से शादी करेगी? गोली मारिए सरदार। हमू मैंने शक्ति की सौगंध खाई है बापू। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। राखा, उसने शक्ति की सौगंध खाई है। ये शादी नहीं होगी सरदार। सरदार, सरदार, ये जानते हुए भी कि राजू पुलिस का आदमी, वो बूढ़ा बहाज अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता था, जो कि एक दिन हम सबको फांसी पर चढ़ा देता, ऐसे सरदार का ना होना ही बेहतर था। और अगर अब भी तुम लोग पुलिस के हाथों कुत्ते की मौत मरना चाहते हो तो ये लो, बनारस पुलिस वाले को अपने सरदार मार दो मुझे गोली। राका, तूने एक पिता शरीर के बुढ़े की जान तो ले ली, अब मुझ गरीब पर भी दया कर, मेरी भी हत्या कर दे। तेरे हाथ जोड़ता हूं राका, मुझे गोली मार दे राका। कसूर तो मेरा है, न मैं सरदार की जान बचाता, न राका मुझे बांध कर यहां ले आता, न मेरे कारण कमों की आत्मा में अच्छे संस्कार जागते, न वो मुझे अपना वर मानती। सारी मुसीबत का कारण तुम, मैं मुझे मारो। हाँ हाँ, मैं पुलिस फौज का आदमी हूं, मारो मुझे। इतनी जल्दी नहीं, जिस शक्ति मां के सामने कम्मो ने इसे अपना बर माना है, उसी शक्ति के सामने पहले कम्मो से शादी करूंगा और फिर इसकी परी चढ़ाऊंगा। अरे रमैया की जरिया ने लूटा बजार है। देखो क्या लाया हूं, मंगलसूत्र, दो दिन बाद तुम्हारे गले में होगा, तब भी नफरत करोगी मुझसे। राका को चाहिए था कम्मो जी, उस विधवा का मंगलसूत्र भी लाके तुम्हारे गले में पहना देता।
क्या हुआ रे? खून समो? हाँ, राखा, वो मेरी इज्जत पे हाथ डालने आया था, मैंने उसका मुंह नोच लिया। अच्छा, उस कलमुए के चेहरे पर एक निशान तो रह जाएगा। भाजी, भाजी, कम्मू यहाँ आई थी, कहाँ है? हाँ, आई थी, मैंने उसे अपने आंचल में बांध रखा है, ले खोल ले। ये मजाक का वक्त नहीं है भाजी। और शराब पीकर मेरे मुंह लगने का भी वक्त नहीं है। सरदार हो गए मर्दों के, बाहर निकलो यहाँ से। हाँ? बाहर निकलो यहाँ से। कम्मू, भाऊजी, हम दोनों की मदद करोगी ना? छोरी, तू एक सच्चे और नेक आदमी के लिए आग में जल सकती, और मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि तुम दोनों की मदद भी नहीं कर सकती। मर्दों की बहादुरी बेशक मर गई होगी, लेकिन माँ की ममता नहीं मरी। कम्मू, बोल बोल, कहाँ है वो? जहाँ सब लोग शोर कर रहे हैं, वहीं राखा ने उसे पेड़ से बंधवाया है। उस भोले भाले बच्चे को पेड़ से बंधवाया? उसने तो ये भी कहा है कि शादी के बाद वो राजू की नरबलि चढ़ाएगा। हाँ हाँ, दुनिया में उसी कलमुए की गवर्नमेंट चलती है ना, मैं उसे दरिया में ना धकेल दूं। आ मेरे साथ। तू जा शक्ति माई के पास, वो जो खंडर है ना, वहां पहुंच, मैं तेरे राजू को लेकर आती हूँ। चल भाग। बड़ा आया नरबली चढ़ाने वाला। कम्मू कहाँ है? कम्मू भी है, अब तो तुम्हारे ही जोर बनेगी। इतनी जल्दी भी क्या? इसी खुशी में एक को। सरदार राखा की जय। माफी दे दो माई, मैं तो भूल ही गया था, पाई लागू। अरे कुछ नहीं, चलो जल्दी। शक्ति माई, इन दोनों की रक्षा करना, रक्षा करना मां। Thank you.
सरदार! सरदार! वो पुलिस वाला भाग गया और कमों का भी पता नहीं। तो तुम मचान पर क्या कर रहे थे? जिस बस्ती से गुजरेंगे वो बस्ती जला दूंगा, जिस घर में छुपेंगे उस घर को उजाड़ दूंगा। चलो! चलो राजू जल्दी से निकल चले। राखा ने देख लिया तो हम दोनों को खून की रेत देगा। एक धर्म की बात बोलता हूं, तुम पलट जाओ कम्मो और राखा से ब्याह कर लो। राखा तुम पलट जाओ कम्मो, नहीं तो और दिन बस्तियों से हम गुजरेंगे, राका उनको भी जला देगा। अपने आप से अलग ही करना है तो मुझे इस आग में क्यों नहीं झोंक देती? तुम समझी नहीं, राका जितने भी बेकसूर लोगों की जान लेगा उनमें से एक भी मुर्दे का बोझ न तेरी आत्मा उठा सकेगी कमो न मेरी। मैं पांव पड़ता हूं, तुम पलट जाओ। मेरे पहुंचते ही राका बंदूक पिस्तल छोड़कर संत बन जाएगा और जो बाकी है वो अपने पैरों पे बबूद मलकर गंगा नहाने चले जाएंगे। ठीक है राजू, मैं पलट जाती, पर तुमने तो कहा था हम दोनों मिलकर जून सुधारेंगे इन सब को। राम राम। ठहरो कम्मो, ठहरो कम्मो, ठहरो ठहरो कम्मो। तुम ठीक कहती हो कम्मो, हम दोनों बराबर उनकी जून सुधारेंगे। मेरे को माफी दे दो, मुझे समझ देर में आती है। चलो मेरे साथ, एक बहुत भले आदमी है जिन्होंने राजगढ़ वालों की मदद की थी, उनकी जान बचाई थी, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। माफी दे दो जी और हंस दो ना। चल। लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब, इसमें कम्मो बिचारी का क्या कसूर है? खून खराबा तो राका ने किया है जी। जिस कम्मो के लिए राका ने इतना खून खराबा किया है वो यहां भी जरूर पहुंचेगा, इसलिए कम्मो यहीं रहेगी और उस पर 24 घंटे कड़ा पहरा रखा जाएगा। लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब, अगर राका यहां आ गया तो बड़े वो छोटे छोटे बच्चों को भी छन्नी कर देगा। इसीलिए तुम दुहाइयां देते हो कि वो भी बाल बच्चे वाले हैं, अगर उन्हें अपने बच्चों का इतना ख्याल है तो दूसरों का खून क्यों करते हैं? मूर्ख और अंधे हैं सुप्रीम साहब, इसलिए। तो फिर कानून भी एक तरह से अंधा है जो कहता है हत्या करने वाले को फांसी लगनी चाहिए। जी, कानून ये नहीं कहता कि अंधों को आंखें मिलनी चाहिए? आंखों से मतलब? मैं बताता हूं सुप्रीम साहब, ये सारी खिड़कियां बंद हो, घर में अंधेरा ही अंधेरा हो तो सूरज की रोशनी अपने आप अंदर कैसे आएगी? किसी न किसी को तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी, ये खिड़कियां खोलनी ही पड़ेगी। Thank you.
हवलदार देखो बाहर कौन है। क्या हुआ बीवी जी? क्या हुआ? क्या है? ये कैसी आवाज थी बीवी जी? कम्मो और राजू को पूनम की रात से पहले चंबल के किनारे पहुंचा दो। अगर तुमने हमारा हुक्म नहीं माना तो हम तुम्हारी बीवी और बच्ची का खून कर देंगे। तुम्हारा बाप राका। ऐसे अंधों को आंखें, आने दो इन खूनियों को, एक एक को फांसी दिलवाऊंगा। तुम जा सकते हो। घबराओ नहीं इंदू की मां, हमने ऐसी कीदड़ भपकियां बहुत सुनी है। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख। जीवन मरण विचार कर, उड़े काम निवार, जिन पंथों तुझ चालना, सोई पंथ सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सोई पंथ सवार। राजू, वो तो रात को ही चला गया। चला गया? कहाँ गया है? लेकिन कम्मो कहां है? जहां ये उसको छोड़कर आया है, सुपरिटेंडेंट के कब्जे में। नथु, इसको पकड़ कर जरा। सरदार आओ मेरे साथ। ये तुमको धर्म ज्ञान सिखाने आ रहा था, मुझे रास्ते ही में मिल गया। बोला कि सुपरिटेंडेंट हम सबको फांसी लगवाने की फिक्र में है। ओ भैया, यहां आओ। तुम शहर तो जा ही रहे, सुपरिटेंडेंट के नाम एक चिट्ठी और पहुंचा आना। लिखना क्या होगा? कहना समझ गया, काम की बात तो अब हुई। सुपरिटेंडेंट को ऐसी चिट्ठी लिखूंगा, पढ़ते ही फौरन कम्मू को भेज देगा। भीमू को भी साथ ले जाओ। आओ भीमू।
खोल दो। कैसे हैं तुम्हारे सुपरिटेंडेंट साहब? वो तुम लोगों से बहुत खफे हैं राका। वो बोलते हैं मैं एक एक को फांसी लगवाऊंगा। और तुम्हें भेजा है हमारे गलों का नाप लेने के लिए? हाँ, मैं अपने आप आया हूँ जी, और इस बात का फैसला करने आया हूँ कि ना तुम उनकी बीवी और बच्ची की हत्या करो और ना वो तुम लोगों को फांसी लगवाए। अच्छी बात है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। जाओ, जहां तुम्हारा जी चाहे आराम से टिक जाओ। इस पे कोई पहरा? कोई जरूरत नहीं, हर रास्ते पर पहरा है। यहां से चल पड़ा तो सीधा ऊपर ही जाएगा। उस तरह का पगला मैंने नहीं देखा। अरे बाबा, शादी करता, घर बसाता, ये क्या खड़पन है? सिर उठाए और मौत के मुंह में फिर वापस चले आए। मेरे को तो मेरा धर्म वापस खींच लाया है माई। अरे जादा, बड़ा आया धर्म वाला। चल उठ, मुंह हाथ धो, मैं जग्गू को बुलाकर लाती हूँ और फिर खाना देती हूँ। न जाने कहाँ दिन भर भटकता है। क्यों रे, जग्गू कहाँ है? ठहर जा कमीने, फिर तो जामुन में चढ़ा हुआ। उतर नीचे, उतर, आज मैं तेरी टांगे ना तोड़ दूं तो कहना। चल उतर नीचे, उतर नीचे, उतर। रात भर कुत्तों की तरह खोजता है और दिन से जामुन खाता है। उतर, जामुन खाता है। ठहर जा तू, ठहर जा मैं कहती हूँ। आज तेरी हड्डियां ना तोड़ दूं तो कहना। अब मैं जामुन नहीं खाऊंगा माँ, अब मैं जामुन नहीं खाऊंगा। खा गंगा जी की कसम। मैं गंगा जी की कसम खाता हूँ। शाबाश, तेरा जग्गू कितना अच्छा है माई, कितना अच्छा है। क्या खाक अच्छा है, अपने माँ को कितना सताता है। चलो तुम दोनों खाना खा दो। माई, तू इससे बहुत प्यार करती है ना? प्यार? यह अभागा रात को एक बार खासता है तो सौ सौ छुरियां लगती है जाके मेरे कलेजे में। इसकी खांसी से अगर तेरा यह हाल होता है तो इसकी फांसी से क्या होगा माई? तेरे मुंह में खाक रे, फांसी लगे इसके दुश्मन को। चल देखो घर। इसकी दुश्मन तो सारे देश की पब्लिक है, और जो पब्लिक होती है माई उसे कभी फांसी नहीं लगती। फांसी मेरे लाल को भी नहीं लगी। क्यों नहीं लगेगी? जब मेरे मामा जी को फांसी लगी थी जब भी तो कहती थी नहीं लगेगी। अरे तुम दोनों क्यों मेरी जान लेने पर तुल गए हो कसाईयों? चलो अपना खाना जहर मार कर लो। चलो। नहीं माई, ऐसे नहीं। पहले मेरी बात का जवाब दो। तेरा भाई भी डाकू था? हाँ। और फिर उसके साथ वही हुआ जो जग्गू ने कहा? हाँ। जब भी तेरी आंखें नहीं खुली माई, जब भी तेने ये नहीं सोचा कि जिस रास्ते तेरा मां जाया भाई गया है उसी रास्ते एक दिन तेरा अपना बेटा भी जा सकता है, और वो एक दिन ऐसा नहीं जो कभी आएगा ही नहीं, जरूर आएगा माई। तेरा बेटा बड़ा होकर डाके डालेगा, हत्या करेगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, और जब इसके 100 दिन पूरे हो जाएंगे फिर एक दिन पुलिस का आएगा माई। और जानती हो वो उसे वहां ले जाएंगे जहां गले में रेशम के फंदे होते हैं, भंगी भट्टे खींचते और गर्दन इतनी लंबी हो जाती है। मेरी गर्दन लंबी हो जाएगी माँ? बोल माई, तेरे अकलौते जग्गू ने एक सवाल पूछा है। सोच सोच माई, जैसे आज तू खाना पकाकर इसको ढूंढने निकली थी वैसे ही एक दिन तू थाली सजा के दरवाजे में बैठेगी और रास्ता देखेगी कि कब तेरा बच्चा लौटे और तू उसे अपने हाथों से खाना खिलाए। लेकिन मेरी माई, तू वहीं बैठी बैठी पत्थर हो जाएगी और तेरा जग्गू किसी रस्सी से लटक कर झूल रहा होगा। खाना निकालो, मुझे जल्दी जाना है। ए मीरा भाई, समाधि से निकलो, मुझे शहर जाना है। अरे तू जिंदी है या मर गई? अरे जगू, क्या बात है?
गर्दन इतनी लंबी हो जाती बापू? गर्दन के बच्चे मिठाई से मिठा मूरत मिटा देने से सच थोड़े ही मिट जाता है। सच? कैसा सच? ये गर्दन हमारे जग्गू की भी तो हो सकती है। दोबारा ऐसी बात की तो याद रख, सूली पर चढ़ा दूंगा। सूली क्या होती है बापू? टमटम होती है, दो घोड़ों वाली। टमटम दो घोड़ों वाली? मैं भी सूली पर चढ़ूंगा बापू। माँ बोलना बापू से मुझे सूली पर चढ़ाए। फिक्र मत कर बेटा, तेरा बाप ही तुझे सूली पर चढ़ाएगा। ये डाकू लोग यही तो एक आयश कराते हैं अपने बच्चों को। माँ मेरा बापू अच्छा, मेरा बापू राजा मुझे सूली पर चढ़ाएगा। माँ मेरा बापू मुझे सूली पर चढ़ाएगा। चाटे से क्या, ये लो अपने हाथों से गला काट दो इसका। बुढ़ापे में जो रोना है हम तो आज ही बैठकर रो लेते हैं। आज जरा सा इसे ताप चढ़ जाता है तो मछली की तरह तड़पने लगते हो, और कल ये डाकू बनकर फांसी पे चढ़ेगा तो। जग्गू की माँ, छाती पे हाथ रख के बोलो, आधी आधी रात जब तुम्हारी नींद खुल जाती तो क्या सोचते हो? यही ना कि जिस दिन पुलिस के हाथ आ गए तो फांसी का फंदा गले में होगा, और फिर ना मेरी चीखें तुम्हें बचा सकेगी ना इस बच्चे की दुहाइयां। ये चलो जल्दी से निकल पड़े। जा रहे? मुझे बताए बिना कहां जा रहे? कम्मो की वापसी का इंतजाम करने शहर जा रहे हैं। कम्मो की वापसी? अरे पागलो, क्यों किसी के बनते भाग बिगाड़ते हो? जग्गू के बापू तुम मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो उन बेचारों के बारात रोकते रोकते मेरा अपना सुहाग उजड़ जाए। जग्गू के बापू मत जाओ, मैं दुहाई देती हूँ, मत जाओ, दुहाई देती हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ जग्गू के बापू। अपने बच्चे पर तरस खाओ, अरे सुहाग पर तरस खाओ। प्यार कर ले, प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा। प्यार कर ले। जीते हारे सैकड़ों तीर से तलवार से, जीते हारे सैकड़ों तलवार से, मेरे साथ मुस्कुरा, दिल को जीत प्यार से, मेरे साथ मुस्कुरा, दिल को जीत प्यार से। विचार कर ले, विचार कर ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले। चोर बना रोज नई घात है, चोरी करी चोर बना रोज नई घात है। आज तेरी जिंदगी जैसे काली रात है, आज तेरी जिंदगी जैसे काली रात है। पार कर ले, पार कर ले, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा। प्यार कर ले। Thank you.
मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। इसकी तलाशी लो। दूसरा खत, बेटा सुपरिटेंडेंट, यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि राजू फिर हमारे कब्जे में आ गया है। अब तुम अगर अपने इस चहीते जासूस की खैर चाहते हो तो मेरी कम्मों को फौरन चंबल नदी के किनारे वाले सूरज देवता के मंदिर में पहुंचा दो, वरना हम पूनम की रात को राजू का कटा हुआ सर तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। हमारा बाप राका। राम सिंह, तुम इसे फौरन पुलिस स्टेशन ले जाओ, मैं अभी आता हूं। ले चला इसे। भगत सिंह, तुम यहीं रहो। लौट जाने दीजिए, नहीं तो राका सचमुच मेरे राजू का गला काट देगा और फिर वो यहाँ भी पहुंच जाएगा। आप अपनी बीबी और बच्ची पर ही तरस खाइए, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें जाने दूं? देखती नहीं तुम्हारी खातिर अब ये लोग एक एक करके हमारी गिरफ्त में आ रहे हैं। सुपरिटेंडेंट साहब, मुझ पर दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं हाथ भाई ले जाओ इसे और बंद कर दो कमरे में। सुपरिटेंडेंट साहब, इस पर कड़ी निगरानी रखो। नहीं नहीं सुपरिटेंडेंट साहब, सुनिए ले जाओ, वो मेरे राजे को मार डालेंगे। भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए। सुपरिटेंडेंट साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, बैठा ये फूल शक्ति माँ के चरणों में चढ़ा कर मिन्नत मांग कि तेरे बापू की उम्र लंबी हो। सरदार, सरदार, इसका बापू कहाँ है? इसका बापू कहाँ है? भैया पकड़ेंगे भौजी। ताऊ, भैया गिरफ्तार हो गए। तो समझ ले मेरा यार चल गया सूली पर। सूली पर, सूली पर। बंगले से सुपरिटेंडेंट ने भैया को रुक जाने के लिए कहा और उसकी आवाज सुनकर भैया जब गोली चलाने के लिए पलटे तो सुपरिटेंडेंट ने गोली चला दी और जो पलटे थे वो उलट गए, यही ना? चोर कमीने, कहाँ है इसका बाप? कम्मों को वापस लाने के लिए ही भेजा था ना मेरे घर वाले को, उसके साथ तेरी शादी भी हो गई क्या? बोल, तेरा घर संसार बस गया ना? जाओ अपना अपना माल दबाओ। अरे उससे क्या गाड़ता है? ये ले, ले ये, ले, और ये ले मिट्टी, ले, डाल मेरे इकलौते पर, देखता क्या है, डाल दे मिट्टी। बोल, उजड़ गया ना मेरा घर संसार? इस अभागे के बाप को फांसी लगती है कि नहीं? मेरे बापू की भी गर्दन लंबी होगी माँ। हाँ बेटा, अब तेरे बाप की गर्दन लंबी ही होगी और जब तू बड़ा होगा और इसके साथ जाएगा तो तेरी गर्दन भी लंबी होगी। और भी मुतू इसे बहुत प्यार करता है ना, याद रख, तो जिससे इसका ब्याह करेगा वो भी एक दिन सूली पर चढ़ेगा। और तू हो चुकी माँ, क्या उससे अपने छाती से चिमटा रही है, इसकी गर्दन भी एक दिन लंबी होगी। नहीं, नहीं। उधर क्या देखता है? जेले, चला बंदूक और मुझे भागन को यही ढेर कर दे। माँ, ले माई, तुझे ढेरी होना है तो यहाँ क्यों मरती है? मेरे साथ चल और दे अपने प्राणों की आहुति। आहुति? मेरे मरने से इसका बाप बच जाएगा? वो तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन इतनी बात स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, तेरा जग्गू बच जाएगा माई। जग्गू बच जाएगा, उस पगले की आखिरी निशानी बच जाएगी, जिसने ये नहीं सोचा कि हल से अनाज पैदा होता है और बंदूक से सुहागने विधवा बनती है। चल, चलती हूँ तेरे साथ, चल। भाजी, तुम लोग अपनी कपड़े खोदो, मैं जाती हूँ इस नरक से। चल राजू, चल। जिसे तुम प्यार करती हो बिजली बहन, ये लो। चलो बेटा, ये रहे मेरा चाह और ये है मेरे जोरू के गहने। चलो मुनिया। बापू, ये मुनिया किधर जाती? मैं बताता हूं, ये मुनिया स्कूल में पढ़ने जा रही है मेरे बेटे, ये ऊंची विद्या पढ़ेगी और एक दिन अपने पिता के पाप धोएगी। तुम्हारा मतलब है लोग हमारे पापों का बदला इन बच्चों से नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। अब हमारे देश में पहले सरी की बातें नहीं है, राज बदल गया है। राज बदलने से क्या होता है, कानून भी बदला है या नहीं? ठीक, पुराने कानून के हिसाब से मेरे राका को फांसी लगे ही लगी। अरे अभागर, वो फांसी से बच भी गया तो क्या पुलिस की गोली से नहीं मर सकता? मैं कहता हूँ पुलिस की गोली भी नहीं लगी माई, और वो फांसी से भी बच गया, तब भी क्या मृत्यु नहीं आने की? अरे वाह गुरु वाह, तेरे तो हर बात का तत् निकाल कर रखा है। चल, चलता हूँ। तेरे कौन से बाले बच्चे हैं जिनके खातिर चलता हूँ? बिजली, बच्चे नहीं तो क्या, ये भतीजे भतीजियां तो हैं, ये भी अपने और ये गर्दन भी अपनी। ले लो हमारे हथियार, चलो। मुझे भी अपने बच्चे से कुछ कम प्यार नहीं है, लेकिन एक बात खुलासा होनी चाहिए। मान लो कि हम सब तुम्हारे साथ चल पड़े तो तुम हमें कहां लेकर जाओगे और वहां पहुंचकर हमें करना क्या होगा? शिवजी तुम्हारा भला करे, मैं तुम्हें ले जाऊंगा मथुरा जी के स्टेशन पर और वहां तुम्हें शुद्ध मावे के पेड़े मिलेंगे खाने को। हमसे मजाक मत कर, हम जान से खेलने की बात करते हैं। माफ करना, जो सचमुच जान पर खेलने वाले होते वो तुम्हारी तरह मीन मेक नहीं निकालते। वो ये पूछते हैं कि हमारी मृत्यु से देश और धर्म का कल्याण होता, कुछ बोझ कम होता है हमारी संतान का, और जहां ये जवाब मिले कि हां दोनों ही बातें होती हैं, तो माई के लाल अपने अपने सर पर कफन बांध के चल निकलते हैं, समझे? और एक सौदा करो मेरे साथ, तुम लोगों ने जितने पाप किए हैं, जितनी हत्याएं की हैं, वो सारी की सारी मैं कबूल लेता हूं और इन बच्चों की खातिर मैं फांसी लग जाता हूं, मैं रस्सी से झूल जाता हूं। बोलो हिम्मत करते हो? मैंने कहा हिम्मत करते हो मृत्यु से मस्करी करने वालों? क्यों रे, तू पुलिस वाला भी है और पापियों को मुक्ति का रास्ता भी दिखाता है, कौन है रे तू, कहां का रहने वाला है? ताऊ जी, एक देश है इस दुनिया में जहां दाता अगर भिखारी को भिक्षा नहीं दे सकता तो ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है कि मेरे को माफी दे दे भाई, जहां खिलाने वाला खाने वाले को बोलता है कि आपने बड़ी दया की जो मेरा चौका पवित्र किया, जहां एक पापी और हत्यारा अपने पाप से पलटता है तो रामायण सरी का ग्रंथ लिखता और ऋषि वाल्मीकि कहलाता है। ताऊ जी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अरे अभागो, वो क्या देखते हो, फेंको अपने हथियार और चलो इसके साथ, चलो। ठहरो, मेरा राका भी आज से उसी देश का वासी बनेगा, मैं उसे तैयार करती हूँ। मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ, तुम में से कोई भी अगर अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। चल रे पुलिस वाले,
नहीं नहीं राजू, नहीं। इसे छोड़ दे भौजी, नहीं तो तेरे जग्गू को अभी छन्नी करता हूं। अब मेरे को इस दोनाली का जरा भी डर नहीं राका, इन सबको आंखें मिल गई हैं। अब तू मेरे को मार भी दे तो कोई चिंता नहीं। तेरी है मजाक राका, हाँ तो चलाओ पापी, तू ये कैसे हो? रुक जाओ, मैं कैसे रुक जाओ? रुक जाओ पागलो, अब तुम हत्यारे नहीं हो। हत्यारा तो वो है जिसने अपनी माता के प्राण ले लिए। मां, मां, राका, जिसने तुझे जना वो मेरी सहेली थी रे, पर बेटे इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, तेरा धंधा ही ऐसा है। बेटे कभी कभी मजबूर होकर अपनी माँ की छातियां फाड़ देते। माँ, राजू, माई, अब इस अनाथ की तो ही रक्षा करना, और इसका बाप मिले तो कहना कुछ ऐसी बात बन गई थी कि तेरे दर्शन किए बिना दो दिन पहले ही चली गई। माँ, माँ, मेरी माई, ऐसी मृत्यु तो बड़े भगवान लोगों को मिलती है। देखो कम्मा, मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि अगर तुम अपने राजू की खैर चाहती हो तो हमें डाकुओं के अड्डे तक पहुंचने का रास्ता बता दो। मैंने और राजू ने एक दूसरे को वचन दे रखा है कि हम उन लोगों की जून सुधारेंगे। मैं आपको वहां तक ले चलूं तो क्या आप उन सबको जिंदा छोड़ देंगे? पुलिस को सामने देखकर अगर उनमें से किसी ने गोली चलाई या हमला किया तो हम उन्हें भून के रख देंगे। फिर मैं कभी राजू को अपना मुंह नहीं दिखा सकूंगी। वो कहेगा, कम्मो, तू आखिर हत्यारों की बेटी हत्यारणी निकली ना। ये दोनों ही बातें नहीं होंगी कम्मो। तुम अगर अपने जिद पर यूं ही अड़ी रही तो राका राजू का गला काट देगा और फिर किसी खिड़की का शीशा टूटेगा और पत्थर की जगह तुम्हारे राजू का कटा हुआ सर आके गिरेगा। नहीं नहीं सुप्रीडेंट साहब, यूं ना कहिए। राजू को कुछ हो गया तो मैं कहीं की न रहूंगी। तो फिर देर क्यों करती हो? जल्दी बोलो, रास्ता बताओगी कि नहीं? पुलिस के सैकड़ों हथियारबंद जवान तैयार बैठे हैं। कम्मो, कम्मो, अपने राजू पर तरस खाओ, उन बेकसूरों पर तरस खाओ जिन्हें आज नहीं तो कल राका कुत्तों की मौत मारेगा। चलिए, मैं तैयार हूं। शाबाश, तुम फौरन पुलिस स्टेशन जाकर स्पेशल फोर्स को तैयारी का हुक्म दो, मैं अभी आता हूं। हेलो हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। और फटकों को उनकी मां के पास वापस ले जा रहा हूं। मेरी लाज रख लेना गंगा माई। Thank you.
अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, आ अब लौट चले, आ अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा।
बहुत चुप है। इनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं। औरतें और बच्चे? ये लोग तो निहत्ते चले आ रहे हैं। आओ। घेर लो चारों तरफ से, लेकिन जब तक मैं हुक्म न दूं, गोली मत चलाना। गोली चलाई या हमारा मुकाबला करने की कोशिश की तो हमें मजबूरन फायर करना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट साहब, मैं राजू बोलता हूं। इन लोगों को मैं लाया हूं जी। शाबाश, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। जाहिलो, जानवरों, देखा किस सफाई से ये पुलिस वाला हम सबको मौत के मुंह में ले आया है। अगर अब भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो हथियार उठाओ। आओ, खबरदार, याद रखो, अगर किसी ने भी गोली चलाई तो हमें मजबूर होकर एक गोली का जवाब हजारों गोलियों से देना होगा। और नतीजा यह होगा कि गोलियों के साथ साथ बेकसूर औरतें और बच्चे भी मारे जाएंगे। बंदूक के संभालो, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। आओ, रखो। Thank you.
एक और जग्गू को गोली मार दो, मार दो हम दोनों को। मैं नहीं हटूंगी, इससे पहले तुझे कुछ हो जाए। अरे बहादुर बेटे, मां पे गोली चला, मार दे मां को, मार दे मां को। इधर देख, ये जितनी औरतें हैं, ये तेरी माताएं बहनें हैं, ये बच्चे तेरे भाई भतीजे हैं, इनके दिल की पुकार सुन राका, ये तेरे अपने हैं, इनके खातिर अपने हाथ रोक ले और हथियार फेंक दे, तुम सब अपने हथियार फेंक दो। चारों तरफ जो फौजी रैपले और गन मशीनें आ गई हैं, इन्हें रोकने का बस एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, और वो प्यार का रास्ता, प्यार का रास्ता राका, प्यार का रास्ता। एक तो राका, एक तो बंदूक। राका, फेंक दे इस दो नाली को। जिस लोहे की डायन ने महात्मा गांधी सरीके को नहीं पहचाना, वो तेरे को क्या पहचानेगी मेरे भाई। फेंक दे अपनी रैपल, तुम सब अपने हथियार फेंक दो। सजा तो जरूर देगा, लेकिन एक बात का मुझे पूरा यकीन है, सजा के साथ साथ कानून इन सबको एक सच्ची दया भी देगा, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से ये सब लोग उस दया के हकदार हो गए हैं। और ये जो हमारा देश है, ये इन बेटे और बेटियों को, माओ और बहनों को सिर्फ जीने का ही नहीं, बल्कि फलने फूलने और आगे बढ़ने का हर मौका देगा, क्योंकि ये वो देश है जिस देश में गंगा बहती है। हम कल क्या थे, हम आज है क्या, इसका ही नहीं अभिमान हमें।
राह पे आगे बढ़ना है उसकी भी पहचान हमें, है उसकी भी पहचान हमें। इस धारा को किसने रोका, ये बंध के भला कब रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.